खैरताबाद असम्बली हलके से बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने नामपली यूसुफैन दरगाह की जियारत और वहां पर चादरे गुल का नजराना पेश करते हुए असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की भारी अक्सरियत से जीत के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। इस मौके पर एमएलए उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वह हर बार ही नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मशहूर व मारूफ नामपली यूसुफैन दरगाह की ज़ियारत करते हैं और यहां से पार्टी की कामयाबी के लिए आशीर्वाद हासिल करते हैं। दानम नागेंद्र ने इस मर्तबा भी बीआरएस पार्टी का झंडा लहराने की उम्मीद जाहिर की। इन्होंने अपने खिताब में रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद का इजहार किया और तीसरी मियाद में भी केसीआर ही चीफ मिनिस्टर बनने की उम्मीद जाहिर की। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। आज यूसुफ बाबा दरगाह पे जो है ज़ियारत कर कर चादर चढ़ा है। हमेशा गुलिस्ता 25 साल से जो जब भी मैं नामिनेशन डालता हूँ पहला मंदिर जाके उधर से यूसुफ बाबा के पास ज़ियारत करके जो है हमारे लिए कामयाबी का आशीर्वाद लेके जाते यहाँ से, तो आज भी मुझे उम्मीद है कि आज यूसुफ बाबा के आशीर्वाद से और हमारे सभी भाइयों के आशीर्वाद से जो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब बनेंगे। और जो है ये आज का ये चुनाव जो है एक फिरका फरत जमात से हमारी लड़ाई हो रही, खासकर जो है जो एक रेवंत रेड्डी कांग्रेस का एक जो है नकाब पहनकर आरएसएस का एक जो है नुमाइंदा रह के कांग्रेस का नकाब पहन के आ रहे लोग समझ चुके हैं उसकी जो उसका बेनकाब ज़रूर जो है इंशाल्लाह 30 तारीख के दिन आवाम उसको बेनकाब करेंगे और 3 तारीख के दिन वो रिज़ल्ट आएगा। हम दुआ करेंगे कि आज जो फिरका फरत जमातों को आज अल्लाह मियाँ जो है उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हिम्मत देना और खासकर जो है फिर एक बार रियासत तेलंगाना में अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है हैट्रिक सीएम बनना और साउथ इंडिया में एक पहला चीफ मिनिस्टर होगा कि अल्लाह के फजल से हैट्रिक बनाने वाले हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनने वाले एक ही चीफ मिनिस्टर केसीआर होंगे इंशाल्लाह।